हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार ने 4 जिलों में इंटरनेट, मोबाइल और SMS सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। उधर महापंचायत से पहले किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर लेकर निकलें और नाके को तोड़ दें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से उपद्रव ना करने की भी साथ में अपील कर डाली। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें। विज ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त फोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ रूट को डाइवर्ट किया गया। करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सोमवार दोपहर 12:30 से बंद है और इन्हें आज मध्यरात्रि तक बंद रखा जाएगा। अपने अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, किसान भाई भी कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए लोगों की सुविधा के लिए, कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स लगाई है और ADGP लैंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे ताकि सारा जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निकल जाए। वहीं करनाल के SP ने बताया कि पुलिस इसलिए तैनात की गई है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी गैर कानून गतिविधि ना हो। किसान महापंचायत के दौरान हम बातचीत भी करेंगे और चाहेंगे कि मामले का बातचीत से हल निकले। अब यहाँ किसान आंदोलन को लेकर ये कहना गलत ना होगा कि जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहे हैं, राज्यवार किसान न केवल सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं बल्कि भड़काऊ बयानों से माहौल को भी गरमा रहे हैं। पिछली महापंचायत में राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लगवाकर धार्मिक मोड़ देने की कोशिश की, तो वहीं योगेंद्र यादव ने योगी आदित्यनाथ को जमकर भला बुरा कहा। किसान आंदोलन के बहाने कुछ नेता तो अपनी सियासी जमीन ही तलाश रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए, स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।